हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे योर टॉपिक इज आर्टिकल्स। तो कल हमने इंटरजेक्शन को डिस्कस किया था, तो गाइस आज हम आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक टॉपिक है आर्टिकल्स, वो आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आर्टिकल्स जो है वो आपके ए एंड और द होते हैं। ए और एंड दैट आर योर इनडेफिनेट आर्टिकल, और द जो होता है दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स तो आपको पता ही है, ये तीनों है, बस इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका वीडियो इनका जो यूज है वो कहाँ कहाँ होगा। तो कम टू द फर्स्ट स्लाइड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग। गिव मी डैश एप्पल। गिव मी, अब एप्पल है। अब आप ये मत देखिए कि मतलब ए से शुरू हुआ है, वोवल से शुरू हुआ है तो हम एन लगाएंगे, बिकॉज आपने साउंड को ध्यान में रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवल की है। तो गिव मी एन एप्पल, तो अब इन तीनों ऑप्शंस में राइट आंसर रहेगा एन। तो गिव मी एन एप्पल, क्योंकि ए की साउंड आ रही है तो ए जो है दैट इज द वोवल साउंड। ठीक है। सेकेंड, मिस्टर राव लिव्स इन विलेज। अब वी है, वी की आवाज आ रही है तो इन अ विलेज, क्यों? क्योंकि वी जो है दैट इज द कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम अ लगाएंगे। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब देखिए, सन जो है दैट इज द वन, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ की जो सन है वो तो है ही, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो जब भी आपका ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो दैट इज द, हम द का यूज करते हैं। या भी कोई एक चीज की बात हो रही, जब डेफिनेट चीज की बात हो रही है तो द जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। डैश गंगा इज डैश हॉली रिवर। अब वो कह रहा है द गंगा, पहले क्या आएगा द गंगा, क्यों द? क्योंकि गंगा तो एक ही रिवर है जो इंडिया में है अभी, तो गंगा इज अ हॉली रिवर, तो द गंगा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट रहेगा। डैश मून मूव्स अराउंड डैश अर्थ। अब देखिए, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो मून है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ के इर्द गिर्द। तो ये ए पार्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। हिज एम इन लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर। उसका एम क्या है लाइफ का, कि वो एक क्या बने, एक डॉक्टर बने, अ जो है दैट इज द राइट। ही इज टालेस्ट बॉय नॉट क्लास। अब देखिए, टालेस्ट जो है दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही आपका क्या लगता है, द लगता है, तो द टालेस्ट बॉय नॉट क्लास। डैश ईगल कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। अब क्या आएगा, द ईगल आएगा कि एन ईगल आएगा, तो एन ईगल कैन फ्लाई इन द स्काई, जो ईगल है एक वो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है स्काई में। आई शेल सेंड टू अ लेटर सून। मैं तुम्हें क्या भेजूंगी, एक लेटर भेजूंगी जल्दी ही। लेटर ल की साउंड आ रही है तो अ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। डैश इंजीनियर, तो अ एन जो होगा दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि इंजीनियर है तो एन जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। शी इज प्रिपेयरिंग डैश स्पीच फॉर टूमोरो। अब वो क्या कर रही है, शी इज प्रिपेयरिंग, वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है क्या, अ स्पीच फॉर टूमारो, एक कल के लिए अपनी एक स्पीच प्रिपेयर कर रही है, तो अ इज द राइट आंसर। वी शुड यूज एन अम्ब्रेला। अ की साउंड आ रही है मतलब यहाँ पे अम्ब्रेला का यूज हम कर रहे हैं, तो अ की जो साउंड है दैट इज द वोवल साउंड, एन आएगा यहाँ पे। प्लीज कॉल द पुलिस आएगा, एन आएगा क्या, प्लीज कॉल कॉल द पुलिस, आप पुलिस को बुलाओ। ठीक है, तो द जो होगा दैट इज द करेक्ट। राहुल्स फादर इज डैश कारपेंटर। अब देखिए, कार की आवाज आ रही है तो अ आएगा, इज अ कारपेंटर। मिस्टर चैटर्जी वॉन्ट्स टू बी ए एमएलए। अब एमएलए तो एन एमएलए, क्योंकि ए की साउंड आ रही है तो ए का आपका वोवल के अंदर आता है। ठीक है, एन एमएलए। ही इज अ गुड पेंटर, वो एक क्या है, अच्छा पेंटर है, अ जो होगा वो राइट आंसर। आई सा एन एलिफेंट, एन एलिफेंट की आवाज आ रही है, ई ए की आवाज है तो एन आएगा, एन एलिफेंट नियर द रिवर।
डैश स्केच इज ओमर ओसम ऑसम दैट स्केच इज ऑसम। तो क्या आएगा यहाँ पे, द स्केच इज ऑसम, तो द इज द राइट आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा। रोहित इज एन एक्सीलेंट डांसर, एक्सीलेंट एन आएगा, एक्सीलेंट के बॉवल की साउंड आ रही है। डैश मूवी इज सो थ्रिलिंग, वो कह रहा है द मूवी इज सो थ्रिलिंग, तो द आएगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये आपके 20 सेंटेंसेस थे जो हमने आर्टिकल्स के लिए डिस्कस किए थे। तो ये आपके आर्टिकल्स के 20 सेंटेंसेस हो गए। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे क्या क्या इसमें फिल होगा। ये तो बहुत इजी थे। आई होप कि आप एक सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मतलब साउंड का, ठीक है, जो प्रनाउंस। तो गाइस ये नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आपने जो अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा वो फिल करना है। आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपने जो साउंड का ध्यान रख के, ये वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, आपने अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल है उसको फिल करना है। एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस ये कल वाली जो आपकी वीडियो मैंने आपको होमवर्क किया था इसको डिस्कस कर लेते हैं। डैश आई फेल टू स्कोर गुड मार्क्स, वो कहता है यहाँ पे मैं फेल हो गया, तो ये दुख वाली बात है ना कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने में फेल हो गया। तो अलास आई फेल टू स्कोर गुड मार्क्स, तो अलास जो है दैट इज द राइट आंसर। आई हैव वॉन द गेम, अब देखिए ये खुशी वाली बात है तो इसलिए वो कह रहा है हुरे आई हैव वॉन द गेम, मैं क्या जीत गया, गेम जीत चुका हूँ। डैश यू हैव डन अ गुड जॉब, वो क्या कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन कि आपने क्या की, एक बहुत अच्छी जॉब कर चुके हो, यू हैव आपने बहुत अच्छा काम किया, कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं। डैश शी हैड एन एक्सीडेंट, ओ गॉड उसका क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, तो ओ गॉड जो है, ओ माई गॉड ये क्या हो गया, तो यहाँ पे ओ गॉड शी हैड एन एक्सीडेंट। तो फिफ्थ वन वॉट अ डिलीशियस केस केक, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ डिलीशियस डिश, व्हाट अ डिलीशियस केक, है ना, तो ये वाओ आ गया यहाँ। डैश नाउ डोंट शो मी योर फेस अगेन, वो क्या कहते हैं जब भी हम कोई गुस्सा होते हैं किसी से, कई बार होता है तो हम बोलते हैं आउट प्लीज डोंट शो मी योर फेस अगेन, चले जाओ यहाँ से, अपना फेस फिर से मत दिखाना, तो आउट आएगा। डैश माई लॉर्ड आई फील ऑनर टू वेलकम यू टू माई हम्बल अबोट, यहाँ क्या आएगा, वो कह रहा है माई ऑल माई लॉर्ड आई फील ऑनर, मैं ऑनर करूंगा कि टू वेलकम यू आपको टू माई हम्बल अवॉर्ड। अवॉर्ड करना होता है आप जब ओबे करते हैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हॉल लिख दिया, यहाँ पे हेल है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया, इसको सही करेक्ट करेंगे सेवंथ वन को। एट वन डैश लेट मी सी इफ आई कैन समथिंग टू पुल इट आउट, ओ लेट मी सी होल्ड ऑन लेट मी सी, मुझे देखने दो, होल्ड ऑन आएगा यहाँ पे आएगा, होल्ड ऑन लेट मी सी, मुझे देखने दो आई कैन गेट समथिंग टू पुल इट आउट, ठीक है मैं कुछ करता हूँ इसको बाहर करने के लिए, होल्ड ऑन पकड़े रखो। डैश वी विल रैलिश द विक्ट्री फॉर लॉन्ग, वो कहता है यहाँ पे क्या आएगा, यूपी जो होगा वो क्या रहेगा आपका राइट आंसर। टेंथ वन वी डिड इट, वी डिड इट, हम ये कर सकते हैं रेका, वी डिड इट, वी डिड इट, तो रेका जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। तो गाइज ये जो आपके 10 सेंटेंसेस थे जो आपको होमवर्क दिया था, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज ये आपकी हो गई है वीडियोस, अभी इंटरजेक्शन की वीडियो भी होगी, अभी आपको आर्टिकल जो मैंने पढ़ाए हैं उसका जो होमवर्क है वो दिया है, तो आप प्लीज कल उसको अच्छे से करके आइएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किसी और टॉपिक पे बनाएंगे। अब आपकी मैक्सिमम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो एक्सरसाइजेस थी जो उसमें अलग अलग टॉपिक्स थे उसकी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।